क्या है आपका नाम? हनी सिंह, बैली डांसर. ओ, चलो दिखाइए आपका बैली डांस. बात है हनी सिंह, माइंड ब्लोइंग बेली डांस. पहले भी बेली डांस मैंने देखा है इस मंच पर, बट आई डोंट नो, आपके मूव्स में, आपके जिस तरह से आप शेक कर रहे थे, आपकी जो अदाएं थी, एवरीथिंग वाज जस्ट ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में क्या आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेरे माँ बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी फ्रेंड बहुत सपोर्ट करती है. उनको पता है कि आप डांस करते हो? जी. पापा मेरे पहले सपोर्ट नहीं करते थे डांस को लेके कि बेटा काम करो, पर उनके लिए मैंने काम भी किया, डांस भी किया, फिर वो भी मुझे सपोर्ट करने लगे. पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे वेटर हैं. घर में अभी भी दिक्कत है, पापा की 5,000 सैलरी है जिसमें से खर्चा नहीं चल पाता है और इसीलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी. मम्मी का भी अच्छी सपोर्ट है, हम भी कहते हैं कि हाँ बेटा कुछ बन जाओ, मेरे जैसे ना बनो. घर के हालात अब जैसे जैसे तैसे मतलब चल रहा है, ये समझ लीजिए, बस घुट के रह जाते हैं और क्या कर सकते हैं उसमें. हनी थोड़ा सा डिफरेंट है और लोगों से. You're a brilliant, super, super dancer, honey. Very, very good. Thank you. I'm really proud of you. I'm proud आपकी अंदर की जो शक्ति है, जो ताकत है और जो सपोर्ट आपको मिलता है आपके परिवार से, दैट मेक्स मी फील वेरी प्राउड. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड द लाइफ यू लीड. थैंक यू. आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ, ये बेली डांसिंग सीखने का? बेली डांसिंग जैसे कहते हैं कि गॉड गिफ्ट है, तो मेरे बचपन से ही मुझे बेली डांस करने का बहुत शौक था. कहाँ तो देखा था आपने पहले? बचपन से ही. बचपन से थोड़ी पैदा होती, कानपुर में कोई साथ वाले घर में थोड़ी कर रहा होगा, कहीं तो देखा होगा. नहीं, मैंने कहीं देखा ही नहीं. बचपन से ही अगर कोई भी डांस करे तो मेरा कमर बहुत हिलती थी, तो बचपन से ही चल रही बेली डांस. जब मैंने समझा कि बेली डांस ये फॉर्म होती है, तो फिर मैंने उसमें वर्क करना स्टार्ट कर दिया. यू डांस्ड वेरी वेल, बहुत अच्छा डांस था. थैंक यू मैम. मेरी तरफ से आपके लिए हाँ. थैंक यू. नहीं, मेरी तरफ से भी हाँ. थैंक यू. Obviously, मेरे तरफ से भी आपके लिए हाँ है. Congratulations, honey. Welcome to India's Got Talent. आपको 3 हाँ मिल गए. रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? खुशी के आंसू?
बस मुझे इसीलिए रोना आ रहा है कि जो लोग मुझे कमेंट कर देते हैं वो लोग मुझे गलत कमेंट कर दे, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं इसमें वर्क कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा, तो मुझे बहुत वो होता है कि लोग मुझे बिना देखे बिना समझे जज कर देते हैं। कोई इंसान जो नहीं कि वो बेली डांस कर रहा है तो वो गलत ही हो। मैं कहीं ना कहीं दो जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे जैसे कि बाल लंबे हैं तो मुझे टोपी लगानी पड़ती है क्योंकि मोहल्ले की वजह से मुझे रोक टोक मिलता है, बाल ऐसे बड़े हैं तो लड़का लड़की लग रहा है, फटी जींस पहन लिया तो बोलते हैं कि ये कौन सा फैशन है, फटे तुम्हारे कपड़े। नहीं, सिर्फ बेली डांसिंग को नहीं लोग जज करते, लोग वैसे ही दुनिया को जज करते हैं, हर चीज में जज करते हैं। अगर हम यही सोचते रहे कि दुनिया क्या कहती है तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ में आया? तो आप ये सब मत सोचिए, अब आगे बढ़िए, बहुत खूबसूरत डांस किया, हंस के दिखाओ। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.